ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रजत पदक से संबंधित जितने भी सुविधाएं मिलनी चाहिए सुविधाएं हम उस बच्चे को मुहैया करेंगे से नीचे और सारे साधन जो हैं उसको हम मुहैया करके उसको और ज्यादा उत्साहित करेंगे ताकि आने वाले दिनों में भाई देश के लिए चले देश का गर्व बढ़ावे देश का मान सर जी। चलिए रुकिए मंत्री जी, एक एक सवाल सहयोग में बैठे हुए हैं। ओलंपिक में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, बिहार के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते, इसको लेकर क्या कुछ खेल थोड़ा नीचे करो ना यार, ले लिए तो चेहरा ही ढक दोगे उनका, पता नहीं सर क्या कुछ ये रहेगा सर, इसको लेकर कार्य योजना क्या है सर विभाग? सर बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय कर लिया जी सर कि बिहार को खेल के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ा दें और ये जमीनी स्तर पर गांव-गांव तक ये खेल कैसे जाए इसकी तैयारी है और बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है कि इस खेल को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी गांव पूरे सूबे के अंदर सभी पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे, सभी पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा और अगर किसी कारणवश अगर जमीन उपलब्ध नहीं हुआ उसका अधिग्रहण होगा, जमीन का अधिग्रहण करके हम खेल का मैदान। एक एक सवाल, सम्राट चौधरी भी पटना में स्टेडियम, पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम मोनोलोक स्टेडियम बनाया जा रहा है, उस पर सर क्या कुछ अभी तक है उस पर भी देखने के लिए गए जी, और उस स्टेडियम में जी सर लगभग 16 खेल जी का मैदान उसमें शामिल किया जाएगा और बहुत सारी खेल से संबंधित सुविधाओं को उसमें तय किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और अच्छा स्टेडियम बनेगा। एक राजनीतिक सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईडी से उन्हें डर नहीं लगता है, कार्रवाई हो रही है मगर डर नहीं लगता है, निकल रहे हैं यात्रा पर। ये देखिए बस 30 सेकंड, पूरे बिहार के अंदर हम आप सब लोग जानते हैं कि वो कहते हैं ईडी से हमको डर नहीं लगता है, ईडी से लालू यादव को भी डर नहीं लगता था, 37 वर्ष की सजा की तारीख में है ना, जी जी जेल में है, जेल पर है, इसलिए ये तो कहने के लिए है, वो फरास मिटा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि जिसने लूटा है जिसने चोरी किया है उसको जेल जाना ही पड़ेगा।